ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग कि आपको चार बॉन्ड चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल कंपाउंड। तो चार होने के लिए आपको चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के लिए आपके दो ऑप्शन है, या तो आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो या तो इसको कर दो। किसको एक्साइट करना आप प्रिफर करोगे? क्यों नहीं? क्यों नहीं? स्टेबिलिटी नहीं बेटा, क्योंकि ये देखो ये क्या आपका 3s है, ये 3p है, ये 3d है। तो 3p और 3d के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है आपका? कम है। तो दैट इज व्हाई यू विल एक्साइट द 3p इलेक्ट्रॉन रादर देन 3s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट है आपका। उसके बाद क्या आएगा? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आपका? ये एक्साइटेड नहीं होगा, ये वाला क्या हो जाएगा? एक्साइटेड होकर जंप कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छा बेटा अगर कभी भी ना समझ में आए इस एग्जाम इस चैप्टर में तो प्लीज दोबारा तिबारा मुझसे रिपीट करवा लेना, क्योंकि अगर ये चैप्टर गायब होगा तो आगे ऑर्गेनिक पूरी गायब हो जाएगी। तो अगर कुछ भी ना समझ आप पूछना, आगे वाले मत पूछना, कोई दिक्कत नहीं है अगर शाय हो, बट शाइनेस ओवरकम करके इस चैप्टर दोबारा, वरना दिक्कत आगे आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर बार 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर आपके चार हो गए, अब इन चारों को इन सबको मिला के आप एक्साइट करा दो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करा दो। तो एक एस है, 3p है और एक डी है, तो सब मिला के कितने बनेंगे? 5sp3d बनेगा। ठीक है, उन sp3d में से एक sp3d क्या होगा आपका? फुलफिल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक sp एक ऑर्बिटल जो आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल था वो क्या था? फुलफिल्ड था, बाकी सारे क्या होंगे? हाफ फिल्ड होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ठीक है, तो किस कहीं पे भी फुलफिल्ड वाला ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है, बाकी सारे हाफ फिल्ड हैं, इनके साथ क्या आ जाएगा? फ्लोरीन वाले आके लगा लेंगे अपने आप को। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ऐसे ही अगला एक आधा होमवर्क के लिए लिख लो। अब sp3d हो गया, अगला क्या आएगा इसके बाद? sp3d2। तो उसके लिए sf6 बनाने के लिए लिख लो घर के लिए, sf6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? नॉर्मल बेसिक जो कंपाउंड जिसमें लोन पेयर होते हैं और जिसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उन सबको हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब हम कुछ कंपाउंड बनाते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पे अटेंशन। ठीक है, कुछ कंपाउंड करेंगे, फिर उसके बाद फिर से हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं बेसिक सा एक कंपाउंड उठाता हूँ जिसमें डबल बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका हम हाइब्रिडाइजेशन लेके इसको पढ़ना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि ये कंपाउंड कैसे बनेगा। ठीक है, कार्बन कितना होता है? 6 होता है, तो 1H2 2H2 2P2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2H2 2P। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे समझना जरा। ओके, आपको मैंने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कौन से बॉन्ड बनते हैं? केवल सिग्मा। पाई बॉन्ड किससे बनता है? प्योर ऑर्बिटल से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? काउंट करो, हर एक कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा है ना। अगर आप देखेंगे इसको खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे ना, तो हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, तो 3 हाफ फिल्ड चाहिए आपको। तो ये ग्राउंड स्टेट था, समझना जरा, ये ग्राउंड स्टेट था। ऑल्दो जरूरत नहीं थी बट फिर भी एक्साइटेड स्टेट देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में इसको जंप करा दो।
ठीक है, आपके पास जम तो हो गया है, लेकिन अभी भी आपको नीडेड कितना है समझना। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल कितने, चार ऑर्बिटल है। आप चारों को हाइब्रिडाइज करा के क्या बना सकते हो, एक एस और तीन की लेके क्या बना सकते हो, एसपी थ्री बना सकते हो, बट आपको नीडेड कितना है, sp2 चाहिए केवल, तीन ही सिग्मा आपको चाहिए। समझना बहुत ही डिफरेंस है यहाँ पे कि आपको चाहिए कितना, तीन ही चाहिए केवल। तो आप क्या करोगे, तीन को लेके आप क्या करोगे, केवल तीन का हाइब्रिड, जितनों की जरूरत होती है उतनों का ही हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड कराने के लिए आपको बाहर से एनर्जी रिक्वायर होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, क्या होता है, उसके बारे में नहीं जानना, बट हाइब्रिडाइज क्या आप ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हो ना, तो मिक्सिंग रिक्वायर्स एनर्जी। तो व्हाई वुड यू एक्चुअली टेक एन एक्स्ट्रा ऑर्बिटल एंड गिव इट एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द हाइब्रिडाइजेशन व्हेन यू डोंट नीड दैट। ठीक है, सारा गेम एनर्जी का ही है। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है तो आप क्यों करोगे जब आपको जरूरत ही नहीं है उसकी। तो तीनों ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बना देंगे आपको, थ्री बना देंगे क्या, sp2। ठीक है, और एक क्या बचेगा, प्योर p ऑर्बिटल बन जाएगा। इतना क्लियर, एक बार देख लो, कुछ ना समझना बताओ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। तो हर एक कार्बन के पास अब क्या है, तीन sp2 है और एक क्या है, p है। तीन sp2 और एक क्या है, p है। आगे बढ़े, तो तीन sp2 मैं बना देता हूं, ये है तीन sp2। ठीक है, इधर वाले के पास भी क्या है, तीन sp2 है। ठीक है, और दोनों के पास क्या है, एक एक p ऑर्बिटल है। ठीक है, रेड वाला क्या है, प्योर p ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये देखो, तीन sp2 में से एक sp2 तो सिग्मा बनाने में कार्बन कार्बन के बीच में यूज हो गया, दूसरा sp2 कहाँ पे यूज होगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होने में, तीसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होने में, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बनाना था हमें, पाई बॉन्ड बनाना था, वो कैसे बनेगा आपका, इनके हुआ, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, लेकिन एक दो और भी एग्जांपल करते हैं फिर और क्लियर होगा। ये आपको स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया होगा, बट ये ध्यान रखना, ये बहुत यूजफुल चीज है, ऐसे ऑर्बिटल्स को विजुलाइज करना, पूरा रेजोनेंस इसी पे बेस्ड होता है। बना लिया क्या, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चंस में ऐसे जिस ऑर्बिटल्स, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए कि कौन सा ऑर्बिटल होगा कौन सा नहीं होगा या जो भी कहानी है, तो भी यूज हुए। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड था, सॉरी एक ही पाई बॉन्ड था, तो मैंने नाम नहीं दिया इसको कि PX है, PY है, PZ है। आप दे सकते हो, दे दो आगे के लिए, आई गेस अच्छा रहेगा, PX दे दो इसको नाम, या PZ दे दो, जो भी मन आपको दे दो। ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो, एक मिनट बेटा। क्लियर है, आगे बढ़े। ये था आपका इथीन, हमने बनाया था। ठीक है, अब हम बनाते हैं इथाइन, इसका नाम क्या होता है, इथीन होता है। इतना तो क्लियर होगा,
या एथिलीन जिसको आप बोलते थे। अब आगे पढ़ते हैं, इथाइन के बारे में बनाते हैं। सी एच, तीन चार क्वेश्चन मैं करता हूँ फिर दो तीन आप करना, ठीक है। सी एच ले लिया। अगेन कार्बन क्या होता है आपका, वही कहानी जो अभी तक थी, 1s2 2s2 2p2। ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्मा चाहिए इसको बताइए, कितने सिग्मा चाहिए इसको, दो। तो आपको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, थ्री। किसी का ये भी हो सकता है, सर ये दोनों ही खाली क्यों नहीं यूज कर लिए, ये भी तो कर सकते थे हम कि ये दोनों ही खाली यूज कर ले, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो ऑलरेडी, तो क्यों नहीं यूज किया, हम क्यों हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, मतलब हम कर लेते, हमारी मन मर्जी थी, हम सुकून से रहते। सोचो कि हमने केवल दोनों पी ऑर्बिटल ही खाली क्यों नहीं यूज किए, हो सकते हैं ना, मतलब एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो दिख ही रहे, हो सकते हैं, बट वाई आर वी नॉट यूजिंग इट, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कि हम क्यों हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको पढ़ाया था कि हाइब्रिडाइजेशन तभी कराते हैं जब जरूरत होता है, तो मैं यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ फिर हाइब्रिडाइजेशन, जब मेरे पास ऑलरेडी दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, समझ रहे हो ना प्रश्न क्या है, ठीक है। बताइए सोचिए क्या होगा रीजन, क्या पाई बॉन्ड, ठीक है कह सकते हो, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर नहीं है, बट ठीक है आंसर, मतलब ओके। कि अगर मान लो दोनों पी यूज करिए तो पाई कैसे बनाऊंगा मैं, दो पाई भी तो बनाने हमें, अगर दोनों पी यूज कर लिए सिग्मा बनाने में, तो पाई बनाने में कहाँ यूज होगा फिर, और क्या आंसर हो सकता है, क्या मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप, फिर से बोलिए। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, वाई आर वी डूइंग द हाइब्रिडाइजेशन व्हेन वी कैन यूज सिंपल ऑर्बिटल टू फॉर्म द बॉन्ड, आंसर ये भी दे सकते हो क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट सिंपल से सोचो, अगर आप दो पी ऑर्बिटल यूज कर दे तो दोनों पी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, बट आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे ये कि ये एक्चुअली लीनियर होते हैं, मतलब ये सेम प्लेन में होते हैं, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, तो आप दोनों पी बॉन्ड को यूज नहीं कर सकते, तो दोनों आंसर चाहिए। कि अगर हमने मान लो कि दोनों पी ऑर्बिटल यूज कर लिए तो हम पाई बॉन्ड किससे बनाएंगे, ठीक है, दैट इज वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, और अगर हमने दोनों यूज कर लिए तो दोनों जो बॉन्ड आएंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, सोचो ना, क्योंकि दोनों पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है तो दोनों जो बॉन्ड बनेंगे सिग्मा बॉन्ड वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, बट ये परपेंडिकुलर नहीं होते, ये लीनियर होते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो दो आंसर है इसके, जो भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या होगा, कर लेते हैं हम, ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है एक्साइटेड स्टेट के बनाते हैं, ठीक है करो। अब आपको क्या चाहिए, केवल हाइब्रिडाइजेशन जब करोगे तो क्या होगा, केवल दो ही बॉन्ड बनाने हैं, तो एक एस लोगे और एक पी लोगे, उससे ज्यादा तो लोगे नहीं आप, क्योंकि आपको केवल दो बॉन्ड बनाने हैं, तो आप क्या लोगे, एक एस लोगे और एक पी लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन आए, पे अटेंशन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इसका एक sp, दो sp ये हो गए, इसके दो sp ये हो गए। अब बचे हुए दो p ऑर्बिटल, जो दो p बॉन्ड है, कुछ नाम दे देते हैं उनको, इसको मान लेते हैं px है, इसको मान लेते हैं py है, ठीक है। तो दोनों p आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये बहुत ध्यान देना, एक p ये हो गया, इधर भी एक p ये हो गया, मैं बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकता ऑब्वियसली, कुछ रिस्ट्रिक्शन से नेचुरल एबिलिटी पे, तो यहाँ पे क्या है, वैसे फिर भी अच्छा बना है, ठीक है नॉट बैड। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका पीएक्स हो गया सपोज कर लेते हैं, और ये पीवाई हो गया, मतलब एक ऐसे है दूसरा क्या है ऐसे है, तो जो पहले बताया था इसका वाला जो है, जो ऐसे वाला है वो ऐसे वाले के साथ ओवरलैप करेगा, समझ रहे ना, और जो ऐसे वाला है वो ऐसे वाले के साथ ओवरलैप करेगा, तो इसका वाला
इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। जो येलो वाला है वो येलो वाले के साथ ओवरलैप हो जाएगा और जो रेड वाला है वो क्या करेगा, रेड वाले के साथ ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर है? तो दो ही तो बने, दो पाई बॉन्ड है ना, तो दो पाई बॉन्ड बन गए। ये वाला इसके साथ ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाया और दूसरा वाला इसके साथ ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड बनाया। सो पे अटेंशन, दोनों पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैन यू सी दैट, कि एक का पीएच से ओवरलैप करके बनाया, एक पीवाई करके ओवरलैप बनाया। तो दोनों जो पाई बॉन्ड है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये बना लो, अभी करते हैं, तो शुरुआत हुई है। बने आगे हो गया। आगे बढ़े, ओके। इसको बनाते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा बना के इसको, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेम थिंग अगेन। ये कार्बन देखते हैं, सब कार्बन का इतना तो सबको क्लियर हो गया, बार बार बनाने की जरूरत नहीं आएगी। हर कार्बन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, हर कार्बन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नाउ पहले कार्बन की बात करते हैं। पहले कार्बन में कितने, उसको सिंगल बॉन्ड चाहिए, तीन सिंगल बॉन्ड चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, तीन ऑर्बिटल चाहिए होंगे उसे। तो तीन सिंगल बॉन्ड चाहिए, तीन ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले के लिए जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, sp2 है। कार्बन नंबर 1 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन नंबर 1 और 2 के लिए भी सेम ही होगा आई गेस, 1 और 2 के लिए, एक्चुअली 3 के लिए भी सेम ही होगा। देख सकते हो सारे कार्बन क्या होंगे, सारे के सारे कार्बन आपके क्या कर रहे हैं, देखो ऑल द कार्बन्स आर sp2, सॉरी ऑल द कार्बन्स आर हैविंग 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है समझना, बहुत मतलब बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट थोड़ा सा छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान देनी है, इसीलिए जो चौक वाला सिस्टम है वो ज्यादा बेटर होता है। ओके, फिर से लिखता हूँ, ठीक है, तो कार्बन आपका क्या है, 1s2 2s2 2p2, थोड़ा छोटा लिखूंगा, अगर ना देखे तो बता देना, इनलार्ज कर लेंगे जूम करके। ठीक है, ये है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की बात करें अगर हम, ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, sp2 बना देंगे।
ठीक है, और यहाँ पे कुछ पी बचेगा, मान लेते हैं वो पी एक्स है, ठीक है। ध्यान देना, चार कार्बन है हमारे पास, ठीक है, चार कार्बन है, कार्बन नंबर 1, ये भी sp2 है, कार्बन नंबर 2, ये भी sp2 है, ठीक है, कार्बन नंबर 3, ये भी sp2 है, कार्बन नंबर 4, ये भी sp2 है। अब मैं क्या कह रहा हूं ये समझना, ठीक है। कार्बन नंबर जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते थे, मान लो पहला एग्जांपल मैंने देखा था, वो खोले एक बार, ये एग्जांपल जो था इसको खोले एक बार, पे अटेंशन। अगर मैं कह रहा हूं कि इसका sp2 इसके sp2 के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो जो इसका sp2 है इसमें जो p यूज हुए थे वो हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया था कि सेम होंगे, बट सेम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मान लो py एंड pz अगर इसके यूज हुए थे sp2 बनने में, तो अगर sp2 बनने में इसके भी py और pz यूज हुए होंगे तभी तो ये ओवरलैप होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इसका sp2 में जो p है वो py और pz होता, और इसके sp2 में px और py होता, तो क्या इसका ओरिएंटेशन सेम सेम आती, बट क्या इसका ओरिएंटेशन इसके ओरिएंटेशन से सेम होता? नहीं होता ना। मतलब वो बलून देखे होंगे ना, वो बनाते हैं जो मतलब गेम करके, तो भले ही सेम शेप हो बट अगर उसको अलग अलग तरीके से रखो तो अच्छे से फिट नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे यही चीज है कि अगर ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है तो इसमें जो पी यूज हुए होंगे और इसमें जो पी यूज हुए होंगे वो क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी तो ओवरलैप होगा। इज दैट क्लियर? कि अगर यहाँ पे px py की जगह पे py pz होता और यहाँ पे px py होता तो वो आपस में ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट होता। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े ना, कमिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि इस वाले केस में s यूज हुआ होगा, px py यूज हुआ होगा, तो इस केस में भी क्या यूज हुआ होगा? और क्योंकि यहां पे भी इसका इसके साथ ओवरलैप हो रहा है तो क्या हुआ होगा, और यहां पे क्या यूज हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पे जो p ऑर्बिटल बचा है वो कौन सा है? और यहां पे जो p बचा है वो कौन सा है? यहां पे जो p बचा है वो कौन सा है, ठीक है, और जो उसके बाद जो p बचा है वो कौन सा है? सब में pz होगा। इतना सबको क्लियर है? मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, सब में pz यूज हुआ है। अब ये पढ़ाने का मतलब क्या है? मतलब शौक नहीं है मुझे कलाकारी करने का। यहाँ पे मेरा पॉइंट था कि यहाँ पे जो π1 बन रहा है, कलर, यहाँ पे जो π1 बन रहा है ये, शेयर हट गया था क्या? यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है दैट इज कार्बन नंबर 1 एंड 2, क्यों हट रहा है? अच्छा हट जाओ भाई, ऊपर हो जाओ। ओके, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है,
वो क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में पैरेलल है, मुझे ये बताना था। ठीक है, जो कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो भी पीजेड से बना है, और पीजेड पीजेड से, और यहाँ पे भी जो पीजेड पीजेड से बना है। तो जो कार्बन नंबर 1, अगर इसको मैं 1 नाम दे दूं, और इसको 2 नाम दे दूं, इसको 3 नाम दे दूं, इसको 4 नाम दे दूं, तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो क्या है, पैरेलल है। क्लियर है पॉइंट? फिर से रिपीट करना है कुछ? ठीक है, एक और ट्राई करना, पहले ये बना लो, फिर उसके एक और ट्राई करो, तब आपको समझ आएगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। रेजोनेंस में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, आपस में पैरेलल है। आज यही करना है, मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन ही करना है आज। और बेटा सैटरडे को आप क्या कहते हैं, आपका मतलब एग्जाम है तो रात को एग्जाम थोड़ी होगा ना, बस फ्राइडे को नहीं होगा? अच्छा ठीक है, अच्छा, सैटरडे को एग्जाम है, फ्राइडे को ही होते क्लास। अच्छा है सैटरडे को फिर एग्जाम, ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑफलाइन आ सकते हो आप? सैटरडे को किस चीज का एग्जाम है आपको? बायो का है। संडे को एग्जाम है जी किसका, सर। किस चीज का? हाँ अच्छा, यहीं पे है टेस्ट है, ओके यहीं पे है, ओके। फ्राइडे को और किसका एग्जाम है, सैटरडे को आई मीन? बस रहने दो, ठीक है। फर्स्ट डेट फर्स्ट है, ऐसा कर देते हैं, आप देखिए, फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे, मतलब मैं सही में पूछ लेना, आप जो भी पूछना हो अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है, बैठा के। तो फ्राइडे को ये हो जाएगी, ठीक है, मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर अभी नहीं खींचे तो फिर दिसंबर में खींचना पड़ेगा, और उस समय तो और कम लोग आएंगे। चलो इजी चीजें पढ़ लेंगे फ्राइडे को जल्दी जल्दी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस वगैरह। हाँ अच्छा, क्वेश्चन भी डिस्कशन नहीं करना है, हाँ सही याद दिलाया, वो तो होंगे होंगे, वो तो होंगे ही बेटा। टेस्ट बिना क्वेश्चन के, वैसे केमिस्ट्री में उतना है नहीं मैंडेटरी, आपको समझ में आ गया होगा बेटा, क्वेश्चन करना मेन ज्यादा है आपका, रिवीजन करना, लेकिन क्वेश्चन के बगैर कोई तैयारी ढंग से होती नहीं है। अगर आप ढंग से रिवीजन कर रहे हैं तो दैट इज मोर देन सफिशियंट, बट फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करना जरूरी है। ओके, तो ये बना लिया, ठीक है। अगला एक आप ट्राई करिए, थोड़ा सा टफ होगा, इजी नहीं होगा, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम वालों के लिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, नॉट CH। अगर कहीं पे मैं हाइड्रोजन ज्यादा बना दूं तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। एक कार्बन के साथ 4 ही वैलेंसी हो सकती है एटमैक्स, इतना सबको पता होना चाहिए। ये वाला ट्राई करो, टफ है फर्स्ट टाइम के लिए, बट फिर भी ट्राई करो। क्या तर्थी क्या? तर्थी अच्छा, पिछला पेज। तर्थी ये कंपाउंड है जो आपको बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ट्राई करना। और यहाँ पे आपको देखना है कि क्या जो जो ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन के बीच में क्या है, वो आपस में पैरेलल है। यहाँ पे भी देखो क्या पैरेलल आएंगे, मैं आंसर बता देता हूँ, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, हिंट के लिए ट्राई करना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर होगी। करिए, ऐसे नहीं चल रहा क्या, लाइट नहीं आ रही?
अगर समझ में आ गया ना कि कैसे होगा, बस ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो ठीक है। आंसर के बेसिस से बेटा नहीं बनाना, आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको इसको ये समझ में आ गया जो मैंने आंसर बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की क्यों परपेंडिकुलर होगी, कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर थ्री के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परपेंडिकुलर होगी, क्यों परपेंडिकुलर होगी, जिसको समझ में आ रहा है बस ठीक है, आंसर बता दिया था एक सही है। चले जाइए बनाइए जाके और ट्राई करो, नहीं स्ट्रक्चर नहीं समझ आना है आपको जाके, वो चीज क्यों परपेंडिकुलर होगी। पेन वहीं पे होगा, देखो कॉपी के पास रखा हुआ, पीछे चेंज कर लो। बताइए बस ठीक करो करो करो। सी एच टू डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी एच टू। अब आपको ये बताना है कि दोनों की परपेंडिकुलर क्यों होगी, बताइए। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है। समझाओ बेटा बराबर, ओके। नहीं मतलब मैं समझा नहीं, क्यों p परपेंडिकुलर होंगे ये बताना था आपको, या इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्यों परपेंडिकुलर होंगी। बिल्कुल ठीक है, चलो इसमें पी एक्स लिख दो, अगर मान लो कि इसमें पी एक्स पी वाई होगा, हाँ तो लिख दो उसमें, मान लो पी एक्स पी वाई हुआ है, अब बताओ फिर ये पी जेड होगा, ठीक है तो बिल्कुल पी जेड होगा, साथ में जोड़ दो, ठीक है देन सही जा रहे हो, डायरेक्शन तो सही है आगे। नहीं तो PZ तो अब यूज हो गया ना, आधा तो सही किया, बताएंगे क्या आप बारे का, नहीं तो बता दो, कोई नहीं यहाँ से कंफर्म कर लेंगे, क्या देखें सब लोग देख लेंगे। नहीं ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अच्छा क्वेश्चन है, करो आगे, ऑलमोस्ट कर ही दिया था इसने, पता नहीं आगे क्यों नहीं कर पाए, इतना कर दिया तो बाकी तो बचते ही नहीं कुछ करने के लिए। हाँ क्या होगा, हाँ हाँ सपोज कर लिया कि पी वाई पी जेड बच गया, ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया मान लिया, आप बता दो आगे पी वाई पी जेड बच गया, सपोज कर तो पी वाई और पी जेड बन गया तो परपेंडिकुलर कैसे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे परपेंडिकुलर होगी, वो तो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हुए। नहीं आधा अगला स्टेप, हाँ आप बता दो, तो आधा आधा उठा के जा रहे, वन थर्ड तुमने बता दिया, वन थर्ड तुमको बता दो, हाँ
क्या हुआ? हाँ बताओ बताओ, ऑलमोस्ट सही हो गया। आ जाओ तो बता दो, बोलो, सुन रहे हैं। ऑलमोस्ट सही हो गया, पर अब जब तुमने ये फिगर आउट कर लिया, देखो सिंपल था, रहने दो। देखो तो यहाँ पे हंसने की कोई बात नहीं, बताइए। अच्छा बताइए बताइए, खड़े हो रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। बस यही करना था आपको। देखो बहुत सिंपल सा केस है, आधा कर लिया था, जितना तुमने कर लिया था, क्या नाम है, पार्ट आगे हो जा रहा था, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखो तो आपको ये पता है कि सबको इतना तो सबने फिगर आउट कर लिया होगा कि पहला वाला SP2 है, दूसरा वाला SP है, तीसरा वाला SP2 है। तो सपोज कर लो यहाँ पे जो पी यूज हुए वो PX PY है, ठीक है। सपोज करे यहाँ पे जो पी यूज हुए वो PX और PY है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन है वहां पे PX PY वाला बना देते 1 2 3। तो अगर बीच वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले, इधर वाला भूल जाओ, अगर बीच वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ ओवरलैप होना है तो उसके SP में एटलीस्ट या तो PX होना चाहिए या फिर PY होना चाहिए। आप चूज कर लो कौन सा चूज करना है, बताओ। चलो PX चूज कर लिया, तो बीच वाले में PX यूज हो गया, ये क्या हो गया, SPX हो गया, ठीक है। ये क्या था, SPX PY है। अच्छा यहाँ पे बचा कौन सा है, TZ बचा है। यहाँ पे कौन सा बचा है, PY and TZ। तो ये TZ हो गया और क्या हो गया, PY हो गया, ठीक है। अब तीसरे वाले पे आते हैं, अगर ये SPX है, ठीक है, तो तीसरे वाले में एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा, एक X तो होना ही पड़ेगा। अगर ये SPX है तो तीसरे वाले में X होना ही पड़ेगा। अब बचा उसके पास क्या ऑप्शन, PY और TZ का, तो उनमें से एक उसे चूज करना है, या तो PY चूज करना है या तो TZ चूज करना। अब देखो पहले वाले ने Z यूज कर लिया है, तो ऐसा ठीक है, समझो पहले वाले ने TZ यूज हो चुका है पहले वाले में, ठीक है। तो दूसरा वाला जो पाई बनाने के लिए कौन सा यूज करेगा, PY यूज करेगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कौन सा ऑर्बिटल रह जाएगा, TZ रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, SPX PZ, और PY से क्या होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल, ठीक है। बस आपको ये कॉमन सेंस से जाना था, तो आधा आधा कर दिया था तुमने, आखिरी स्टेप बचा था, ठीक है। सबको दिख गया यहाँ पे, आल रिपीट अगेन, देखो समझ लो एक बार फिर से, जिसको नहीं समझ में आया, क्योंकि पहली बार में टफ होता है, नहीं हो रहा है टफ तो अच्छी बात, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आगे देखो यहाँ पे क्या है, आपका CH2 है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड CH2 है। तो पहला वाला हमने मान लिया SP2 है, तो कोई तो पी होंगे उसमें, हमने मान लिया PX और PY है, और PZ आपका ये है। तो अगर ये PX और PY और बीच वाला SP है और इसके साथ इसका ओवरलैप होना है, तो इसके पास या तो SPX होना चाहिए या तो SPY होना चाहिए, हमने मान लिया SPX है। तो इसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल बचे वो क्या है, PY और TZ। अब TZ इसके साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना चुका है, तो डेफिनेट सी बात, अगर TZ से इधर ओवरलैप बन चुका है और बॉन्ड बन गया पाई, तो राइट हैंड साइड वाला बॉन्ड किससे बनेगा, PY से तो बनेगा। तो ऑप्शन क्या बचा इधर के पास, PX और TZ, ठीक है। तो पहला वाला बॉन्ड TZ के ओवरलैप से बन रहा है, दूसरा वाला बॉन्ड PY के ओवरलैप से बन रहा है। सो कैन यू सी कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, आपके परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ेंगे आगे चल के रेजोनेंस में कि जो पैरेलल ऑर्बिटल होते हैं वो रेजोनेंस देते हैं, और जो परपेंडिकुलर, जो पैरेलल नहीं होते वो रेजोनेंस नहीं देते, इसलिए ये सब कराना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। आगे बढ़े, कर लो इतना पहले। ठीक है, ठीक है।
हो गया, आगे बढ़े। एक आधे एग्जाम्पल करने हैं आपको और करना, और क्या कर सकते हैं। चलो ये कर लो, बना एक। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आई होप यू कैन काउंट हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड आर देयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे कितने पाई बॉन्ड होंगे। करिए हो गया। तो देखो क्या इसका कोई भी इसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरेलल है या दोनों परपेंडिकुलर है, इसका और देखना क्या फर्स्ट कार्बन के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूसरे के बीच में क्या कोई पैरेलल है। एक पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी। बन गया बड़ा। हाँ ठीक है, मतलब बट यहाँ आसपास कोई बुक शॉप है, मतलब कहाँ पे उसके अंदर है, मतलब बाहर रोड से जाओ तो मिल जाएगी ना। तो फ्रेंच अपार्टमेंट पहली बार जब मैं आया था बहुत फनी सा लगा था, मतलब एफिल टावर वगैरह बनाया हुआ है, बार बोनापार्ट के मतलब वो भी रखे हुए हैं जो उसके जो सोल्जर्स होते थे। कोई रहता तो नहीं है यहाँ पे फ्रेंच अपार्टमेंट में, मतलब बॉनजोर बोलना करने शुरू कर देंगे, मतलब बॉन इन विद बॉनजोर गुड नाइट वगैरह छोड़ ही दिया। आप क्या कह रहे थे, कोई और भी अपार्टमेंट है क्या फनी सा? ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, मतलब यहाँ पे सभी लोग अपार्टमेंट वाले ही है या किसी का मतलब अपना घर भी है यहाँ पे? अरे मतलब अपना प्रॉपर, मतलब अपना स्पेस हो, मतलब इंडिपेंडेंट होम। अच्छा सभी जगह अपार्टमेंट वाले ही होंगे, सही है। मम्मी बना के रखे मतलब, हाँ क्या बेटा पीएक्स पी बाई पीजेड सबका चलेगा ना, परपेंडिकुलर है नहीं है। देखो तो फिर आप क्या दिक्कत है, देखो समझ लो एक बार और समझ में आ जाएगा। सी एच टू है, डबल बॉन्ड सी एच है, तो पहला क्या है एसपी टू है, ठीक है एसपी टू है, सेकंड भी एसपी टू है, ठीक है तो पहला भी एसपी टू है सेकंड भी एसपी टू है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा एक दो तीन, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या यूज हुआ पी एक्स पी वाई, ठीक है तो इसका भी इसके साथ ओवरलैप होना है तो पी एक्स पी वाई कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा क्या पी जेड, तो ये पी जेड बचा है सपोज कर लेते हैं, इसका भी पी जेड बचा है
तो इससे क्या होगा आपका पाई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था क्या पी एक्स एंड पी वाई था, ठीक है, इसका जो एस पी टू था उसमें क्या था, इसका भी पी एक्स और पी वाई था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, कार्बन। कार्बन क्या है, ये वाला एस पी है। अगर ये एस पी है तो यहाँ पे इसको अगर पी एक्स पी वाई के साथ ओवरलैप करना है तो इसके एस पी में पी कौन सा होना चाहिए, इधर एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे जो एस पी होगा, इस वाले में जो एस पी होगा उसको अगर बीच वाले सी एच के साथ ओवरलैप करना है जो कि एस पी एक्स पी वाई था, तो इसके एस पी में इधर एक्स होना चाहिए या वाई होना चाहिए। तो हम इस बार पिछली बार एक्स लिया था, इस बार वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस पी वाई हो गया। तो अब यहाँ पे बचेंगे कौन कौन से पी ऑर्बिटल, पी एक्स और पी जेड बचेंगे। तो देखो पी एक्स और पी जेड बचेंगे तो हम ड्रॉ कर देते, ये आपका पी एक्स हो गया, सॉरी पी जेड हो गया, और ये आपका इसको पी जेड लिख देते, इसको आप पी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये एस पी वाई है तो किनारे वाला भी क्या होना पड़ेगा आपका, एस पी वाई होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पास कौन से बचे हैं आपके पास, पी जेड और पी एक्स। ठीक है, पी जेड और पी एक्स बचेंगे। तो देखो पी जेड का पी जेड के साथ ओवरलैप करा लो और पी एक्स का पी एक्स का, तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे पी जेड था, यहाँ पे पी जेड और पी जेड है तो वो पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे पी जेड और पी जेड है, वहां पे जो पी एक्स है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर है पॉइंट, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है इसके बाद, ये हो गया, लिखो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दो पॉइंट आपको पढ़ने हैं, दूसरा पॉइंट थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रॉब्ली, पहला पॉइंट आज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड, मेथड नंबर वन डालो ऐसे करके, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मेथड नंबर वन डालना। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सॉरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी टेक इनटू अकाउंट सिग्मा बॉन्ड, फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी टेक इनटू अकाउंट सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। ठीक है, एंड लोन पेयर, बस तीन चीजों को आपको अकाउंट में लेना है। ठीक है, मेथड नंबर वन में लिखा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट इसको स्टार स्टार मार्क कर देना, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, इफ द नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, इफ द नेगेटिव चार्ज और द लोन पेयर, इफ द नेगेटिव चार्ज और द लोन पेयर आर इन्वॉल्व इन एक्सक्यूज मी आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, आर रेजोनेंस, आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देन दे आर नॉट अकाउंटेड या दे आर नॉट टेकन इन अकाउंट, they are not accounted while calculation of hybridization, account में नहीं लेते अगर वो resonance में जा रहे हैं। अभी आपने resonance पढ़ा नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो example भी नहीं करेंगे, but for the time being देखो तो simple क्या है, आपको कुछ नहीं करना, कोई भी structure दिया उसकी sigma bond count कर लो, जो भी atom की बात कर रहा है, और उसके क्या कर लो lone pair और इसके negative charge count कर लो, that's it। जैसे से फॉर एग्जाम्पल बी सी एल टू, कितने सिग्मा है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब तक समझ में आ गया होगा ये, खुद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने सिग्मा है इसमें, बी एफ थ्री में कितने लोन पेयर है, कॉपी बनाते जाओ, करो कोशिश करो, तो लुइस स्ट्रक्चर इसीलिए तो इतना मेहनत की थी लुइस में। ठीक है, एक लोन पेयर होगा, बोरॉन में लोन पेयर होते हैं, तो कितने लोन पेयर होंगे,
बोरॉन पे एक लोन पेयर होते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। देखो बना के देख लो, तो इसमें क्या लोन पेयर है, बी नहीं है ना, तो यहाँ पे कितने हैं, तीन। तीन का मतलब क्या है, ठीक है, जो नंबर होगा उतने ही ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे, तो तीन का नंबर है तो 1s और 2p, तो कितना हो गया sp2, दो है तो 1s और 1p, तो कितना हो गया sp। अगर और ले लेते हैं अमोनिया, बताओ कितना होगा, बना के देखो, इसीलिए लुईस पढ़ाया था आज के लिए, प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी तो कर लोगे धीरे धीरे। हाँ तो तीन सिग्मा, तो एक लोन पे तो कितना हो गया फोर, फोर का मतलब कितना है, ठीक है। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सिग्मा और लोन पेयर पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से स्ट्रक्चर पता चलता है आपको, ठीक है। फॉर्मूले से आप हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लोगे, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बता पाओगे, सो दैट इज व्हाई आई पेड सो मच अटेंशन ड्यूरिंग द लुईस स्ट्रक्चर। नाउ अगला आते पानी रे, पानी ना बताइए कितना होगा इसका, एक भी नहीं होगा, बहुत पानी पी रखा है तुमने, दो सिग्मा और दो लोन पेयर, तो यहाँ पे कितना होगा फोर, फोर का कितना होता है sp3, टू बोला था किसी ने, ओके। अब रैंडम करते हैं ना, ये एक आधा और ऑर्डर से कर लेते हैं, PCl5 भी कर लेते हैं, बता दो भाई, और SF6 भी कर लेते हैं, रटना नहीं है, ठीक है, अभी कराया था बट रटना नहीं है। कितने सिग्मा है, लोन पेयर कितने, लोन पेयर कितने हैं, निकालो लोन पेयर, एक भी नहीं है, तो जीरो लोन पेयर, तो कितना हो गया ये फाइव, फाइव का मतलब कितना हो गया, एक एस, तीन पी और एक डी, ठीक है। SF6 की बात करते हैं, बताते हैं छह सिग्मा और लोन पेयर कितने, जीरो लोन पेयर, तो छह हो गया, छह का मतलब कितना हो गया, एक और कर लेते हैं, बताओ सेवन सिग्मा जीरो लोन पेयर कितना होगा, D3 बेटा, सात होंगे ना, तीन तीन छह एक सात, ठीक है, लिख लो, फिर रैंडम करना शुरू करता है कुछ भी। करें लिखो CLF3, सब लोग लिखो और करना है सबको, ठीक है, CLF3 SO4 2-, अभी करना है सबको, ठीक है, जिसका अंडरलाइन करना है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। आराम से सब लोग कॉपी में करो, फिर पूछते हैं एक एक करके, और कोई कंपाउंड बहुत अच्छा लगता हो भी बताओ, कौन सा,
किसमें बेटा? अंडरलाइन कर दिया ना। अच्छा वही दो बार लिख दिया बेटा, दो बार लिख दिया क्या? अभी ठीक है, क्या आ रहा है समझ नहीं? रिफ्लेक्शन। अच्छा इस साइड में, अब ठीक है। HCN, HCN, cyanic acid, yeah, hydrogen cyanide. भाई ये सत्य बहुत है ना, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत है, इतने करो। कितना टाइम हुआ है? उसमें नहीं मिलेगा बेटा, तो मतलब नहीं देखने का उसमें। इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, कोशिश करो, देखो जिसे ले कार्टर लेवल से स्ट्रक्चर अच्छे से प्रैक्टिस करना। नहीं गिनना पाई को, केवल सिग्मा गिनना है। तो गड़ी पहन के नहीं है ट्रिप में? कौन कौन जा रहा है आप लोगों में? आप भी तो जा रहे हो, हाथ क्यों नहीं उठाया आपने? तभी तो मुझे पता चला ट्रिप जा रही है आप, ये दो लोग हैं बस। मुझे खुद नहीं पता बेटा। लास्ट मोमेंट पे देखते क्या होता है।
कितने लोग पसंद है एक्चुअली पहाड़ वगैरह? वैसे जिम कॉर्बेट जा रहे हो क्या इतने पहाड़ों में? कितने लोगों को माउंटेन्स पसंद है? नोएडा वाले हो तुम लोग, पसंद ही होंगे। कितने लोगों को बीचेस पसंद है? मुंबई वाले बीच की बात नहीं कर रहा हूँ पहले तो मैं, ठीक है? जिन्होंने खाली मुंबई वगैरह देखा हो तो नीचे कर लो, ठीक है? अच्छा, क्यों आ गए यहाँ पे? चलो, सामने क्या बीच पे रिजॉर्ट था क्या आपका घर? कितना मतलब नीचे आ गए आप, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब इसे कहते हैं फॉल। अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट किया है किसी ने आपने? एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह किया है, मतलब वो जो बंजी जंपिंग वगैरह होता है, पैराग्लाइडिंग होता है, किसने किसने किया है, क्या क्या किया है? क्या स्कूल वाले साथ में ले गए थे क्या कराने के लिए? हाँ, तो वहां तो पैराग्लाइडिंग होती है मोस्टली क्या? हाँ, मैं गया हूँ, मैंने किया हुआ है स्कूबा डाइविंग वगैरह कर लेंगे, स्काई डाइविंग कर लेना नेक्स्ट टाइम, घर वाले करने दें तो करने ही नहीं देंगे, कहेंगे बेटा जैसे थोड़ी करते हैं। हाँ, पैरासीलिंग क्या होता है क्या? अच्छा, वो जो अलोंग द सरफेस पे जाके फिर उसके बाद राइज करते हैं, पैरा सेलिंग कह रहा हूँ, मुझे लगा पैरा सीलिंग कह रहा हूँ, हो गया। ओके, हो गया, अभी तक यही पहुंचे तुम, और आगे कर लेना चाहिए तो करिए, टेक योर टाइम, करो करो, मतलब नॉट टेक टू मच टाइम। अपनी स्कीम बता दे रहा हूँ। नहीं, SP2 नहीं आएगा वैसे, स्कीम आपकी फेल हो गई। दो लड़की कर जाएगा, चार दो चार सिंगल बॉडी को देंगे, लोन को देंगे। हाँ, फिर इसके भी देखो, चार सिंगल बेटा, जिस एटम की बात करते हो उसके ऊपर लोन पे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देखना, ठीक है? उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर। और सल्फेट तो बनवाया था एक्चुअली मैंने क्लास में, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक जीरो कैसे हो सकता है बेटा? बेटा पहले सिग्मा ही बनता है हमेशा, उसके बाद पाई बनता है, तो जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, ठीक है? इतना ब्रेक ले लिया, 5 मिनट और ले लो, ब्रेक खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? 65 हो गया, पानी वानी पी के आ जाओ। भूख नहीं लग जाती तो खाने के लिए ले आया, ब्रेक में खाने के लिए।
जो ऑनलाइन है उनका भी ब्रेक है बेटा, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लेना।
दरवाजा बंद कर ले रहे अरे अरे तो यहाँ पे क्या होगा, कितने सिग्मा कितने कितने पाई बॉन्ड लोन पे कितने क्या क्या है तो कितने दो तीन सिग्मा हो गया और दो कितना हो गया ये ये तो कराया हुआ है ठीक है। कितने यहाँ पे चार सिग्मा है बस और कुछ नहीं है। चार चार काउंटिंग है ना, चार सल्फर पे थोड़ी है ना, ऑक्सीजन पे ना, जिसपे होता है उस पे चार काउंट करना, जिसपे निकालना है। यहाँ पे चार सिग्मा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ठीक है। अगला कौन सा था? हाँ तो ये भी बन गया होगा सेम है। कितना हो गया यहाँ पे चार सिग्मा है यहाँ पे भी ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट तो आपके के ज़िनॉन के साथ चार कोई है और ऑक्सीजन में वैसा क्या होता है जनरली डबल बॉन्ड के साथ आएगा। कितने होते हैं यहाँ पे लोन पेयर में, पांच सिग्मा और एक लोन पेयर, पांच सिग्मा है और एक लोन पेयर, तो कितना हो गया आपका ये थ्री ठीक है। आगे एक्स होती तो के पास कर रहे एक लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर बचेगा, तीन सिग्मा एक लोन पेयर हुआ तो कितना हो जाएगा आपको एस बी ठीक है। अगला तो सल्फर कितना है आपके पास दो Cl2 होगा यस सर, एक लोन पेयर भी होगा तो सेम आइडेंटिटी क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, तीन सिग्मा है और एक लोन पेयर और बताइए SO2 Cl2 SO2 Cl2 सेम ही है sp2 sp2 कहाँ होगा Cl ही होगा बेटा, यहाँ पे एक लोन पेयर है वहां पे आपका वो आ गया, यहाँ पे कितना चार सिग्मा है और जीरो लोन पेयर तो कितना होगा ये नेक्स्ट टोटल तो सबने कर लिया होगा क्या है बस दो सिग्मा का मतलब कितना हो गया अगला कितना हो गया ये पांच सिग्मा है कितना है अगला ये देखो
ये बहुत वन ऑफ द रेयर केसेस जहां पे नेगेटिव है आर ईटीडी होगा ना। हां बी पे लिखा है। देखो अब हम आते हैं बहुत वन ऑफ द रेयर केसेस जहां पे नेगेटिव का होता है सेंट्रल एटम का समझ रहा है कि मैंने आयोडीन कितना होता है जनरली 7 होता है नेगेटिव मैंने बना दिया सेंट्रल एटम का होगा तो टोटल कितना हो गया आपके पास 8 हो गया ठीक है। और आयोडीन को जनरली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए ऐसा ऑक्टेट की जरूरत नहीं है बट फिर भी कंप्लीट कर देते हैं क्या देते हैं 1 2 6 7 और एक नेगेटिव चार्ज हां देखो हो गए साइडिंग के पास 7 खुद के और एक नेगेटिव चार्ज ठीक है। इसके पास इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा और इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा है देखो आयोडीन 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 ठीक है और यहां पे क्या रहेगा 2 2 4 और एक नेगेटिव और एक सिग्मा तो टोटल 3 तो 2 सिग्मा और कितने लोन पे है यहां पे 2 है 3 है आई मीन एक सिग्मा और एक सॉरी एक लोन पे एक नेगेटिव और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिला के एक पेयर बन जाएगा ना तो 2 सिग्मा और 3 लोन पे टाइप का होगा तो ये कितना हो गया sp3 सॉरी सॉरी ये जो लिखा हूं मैं बार-बार ठीक है sp3 डी हो गया क्लियर है। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा और कौन सा है कर लिया होगा C3CH में कार्बन का कितना होगा इस कार्बन का कितना है इस कार्बन का sp3 sp कितने सिग्मा है sp क्या sp2 तीन सिग्मा है ना तो ऐसी तो गलती है तो और बताओ कौन सा क्वेश्चन था बताओगे कितने थे टोटल क्या 12 थे 12 में 10 किसके सही है बस 8 कितने सही है 8 भी नहीं थे 6 कितने सही है इसके बाद नहीं पूछेंगे ना लेकिन होमवर्क के लिए होमवर्क लिखो फिर उसके बाद दूसरा वाला कर सकते हैं। होमवर्क के लिए फिगर आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वही जो नॉर्मल क्वेश्चन है O4 नेगेटिव और ना पहला वाला ना ICl4 माइनस
देख लेना कहीं पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कम हो तो लगा देना, ठीक है। इसका मतलब समझाया था ना, अरे मतलब समझाया था, मतलब दिखता कैसे है, एक्चुअल में कैसे दिखता है, तो हर एक कार्बन का निकालना है आपको, कितने बहुत कर लेना, इससे ज्यादा नहीं करते। लिखो मेथड नंबर टू, ठीक है। मेथड नंबर टू, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। देखो फॉर न्यूट्रल एटम तीन फॉर्मूले होते हैं कहने के लिए, बस मतलब फॉर न्यूट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, फॉर न्यूट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, मुझे याद नहीं रहता फॉर्मूला, तो आपके बाद यूज नहीं करेंगे ना, बात बता रहे हैं, ठीक है। आपका एफ प्लस है, बता रहे सब कुछ बता रहे हैं, तो पहले लिख लो, ठीक है। हाफ एम मीटर एम फॉर कैटायन, फॉर कैटायन एच इज इक्वल टू हाफ टाइम बी प्लस एम, इसके बाद क्या है, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हो सकता है आपके स्कूल में कुछ और कराया हो, तो आपकी मर्जी, वैसे अटरली यूजलेस चीज है, कोई यूज नहीं करता, जो थोड़ा बहुत फर्क का होता है तो आपको भी नहीं यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। स्कूल में कराते हैं क्योंकि इलेवंथ वाले बच्चे यूज करते हैं फॉर्मूला, कराया होगा ना, क्योंकि इजी होता है ये करना एज अपोज टू मतलब समझाना कि पॉजिटिव चार्ज कैसे क्या है, ठीक है। For anion, hybridization is equal to half times B plus M plus number of negative charges. ठीक है, anion के लिए ये हो जाता है। लिख लो जहाँ पे V क्या है और M क्या है, where V is where V is valency, valence electron, I mean, where V is valence electron and M is, M को ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर use करना formula वैसे मत use करना, M is number of monovalent atoms, ठीक है, number of monovalent atom, monovalent, मोनोवेलेंट जिनकी वैलेंसी वन होती है, जैसे ऑक्सीजन है उसकी यूजुअली वैलेंसी क्या होती है आपकी, टू होती है, ठीक है, ऑक्सीजन दो बनाता है ना, जैसे कार्बन है उसकी यूजुअल वैलेंसी क्या होती है, फोर होती है, हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या होती है, वन होती है, क्लोरीन की यूजुअल वैलेंसी क्या होती है, वन, तो ये है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड, ठीक है, दैट इज इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, कितना होता है अमोनिया, पांच, क्या करना, देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में, बराबर कितना हो गया, फाइव, ठीक है, हाइट नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच टू द नाइट्रोजन कितने, क्या हो गया, फोर हो गया, क्या हो गया, हर बार एक नए काफी होता है जो ये फॉर्मूला यूज करने का बहुत अपने आप को महारत हासिल करने की कोशिश करता है, तो करना मत क्योंकि ये यूजलेस है, मैंने कहा ना स्कूल में कराना एग्जाम में नहीं हेल्प करेगा ये, ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्स नहीं निकाल पाओगे,
और स्ट्रक्चर ही हमारे लिए मेन है जो क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीजन है कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो उसको काउंट नहीं करेंगे आप मोनोवेलेंट क्या है केवल फ्लोरीन है फ्लोरीन क्या है आपके फोर तो लिखा गया हाफ ऑफ आठ प्लस चार तो लिखा हो गया सिक्स का मतलब कितना हो गया ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अच्छा है बट बाकी के लिए कर क्या कौन सा आयोडीन माइनस वाला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सेवन ठीक है कितने कितने मोनोवेलेंट एटम अटैचिंग से दो एक ऑक्सीजन एक आयोडीन के साथ दो अटैच हो गए उसके बाद नेगेटिव चार्ज कितने वन तो हाफ टाइम कितना हो गया सात प्लस दो प्लस एक तो कितना हो गया दस पांच आ गया ठीक है नेगेटिव चार्ज ऐड कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ठीक है तो ये एक तरीका है जिसको पढ़ना और यूज कर सकता है जनरली यूजलेस है ठीक है अब उसके बाद मैं आपको पढ़ा देता हूँ मेन चीज जो है स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं ठीक है उसको आपको रखना पड़ेगा एक्चुअली ठीक है फिर हम और डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर फिर से मैं आऊंगा उसके पहले डालो बी एस सी पी आर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ठीक है अच्छा जैसे कि हमने जब पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पिक्चर में आया तो ऐसे इस बारे में भी हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हमें बीएससी क्लास थ्योरी की जरूरत क्या पड़ेगी थ्योरी बहुत छोटी है दो लाइन की थ्योरी और ज्यादा नहीं ठीक है तो ये थ्योरी की जरूरत कैसे पड़ी समझो अगर मैं सी एच फोर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ समझना सी एच फोर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है सब जगह का चारों का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है ठीक है इसके बाद जब हम अमोनिया की बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सारे एसपीजी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं अब हम अमोनिया की बात करते हैं अमोनिया के भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका एसपीजी होता है पर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है और जो बॉन्ड एंगल होता है ठीक है वो चेंज हो जाता है वो आता है समवेयर अराउंड 108 डिग्री तक ठीक है टेक्निकली हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो मुझे वैल्यू ढंग से याद नहीं है 107 भी हो सकता है बट मान के चलते 108 यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या होता है पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल टू दी मोस्ट साइड और जो कि नॉर्मल पिरामिड आपके ट्राइगोनल बेस वाले ही होते हैं तो हम पिरामिडल ही बोलते हैं ठीक है When I use the word pyramidal, that means triangular pyramid. ठीक है क्योंकि normal pyramid क्या होता है आपका triangular होता है ठीक है तो यहाँ पे आपका हमने क्या बोला कि ये triangular pyramidal है एंगल कितना है 109 डिग्री अगला आते हैं पानी ठीक है एंगल होता है अराउंड 106 डिग्री उसका 105 देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेंड होता है ठीक है बेंड मतलब सिंपल है ऐसे मतलब ये वाटर ऑक्सीजन है ये दो हाइड्रोजन सिंपल बेंड है ये लीनियर हो गया ये बेंड होगा ठीक है यहाँ पे क्या होता है एंगल ये होता है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तो ऐसा क्यों है कि डिस्पाइट हैविंग ऑल ऑफ देम हैविंग एसपीपी हाइब्रिडाइजेशन उनका बॉन्ड एंगल अलग है उनका स्ट्रक्चर अलग है ऐसा क्यों ऐसे ही बहुत सारे उसमें भी होगा जो पाइप वाले क्योंकि सबसे इजी एग्जांपल तो हमने ले लिया कि सेम हाइब्रिडाइजेशन के बावजूद आपके स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल अलग क्यों हो रही है और भी प्रॉपर्टीज इसके अलग क्यों हो रही है तो इसको आंसर देने के लिए हमारी जो थ्योरी है वो क्या है जिस पर थ्योरी पिक्चर में आती है
ना देखो जब हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कितना लिख दिया, जब हम कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें दो तरीके के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं लोन पेयर, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर, ठीक है। पहले इतना क्लियर हो गया। तो देखो According to BSEPR theory, गैस पर करीब जैसे होता है। According to BSEPR theory, a molecule arranges itself in such a manner, so as to minimize repulsion, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा कि उसके ऊपर जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। और जो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के मैग्नीट्यूड का, जो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के मैग्नीट्यूड का, वो होता है लोन पेयर लोन पेयर सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, देन आपका होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये मैग्नीट्यूड होता है रिपल्शन का, क्योंकि लोन पेयर सबसे ज्यादा फ्री होते हैं तो सबसे ज्यादा उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कितना होता है, बॉन्ड पेयर के रिपल्शन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो अब इसका मतलब क्या, मेरा पढ़ने के सब लोग अगर कहीं तो मान लो एक लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन, अगर मैं उस लोन पेयर के रिपल्शन को कम कर दूं, फॉर एग्जांपल 10%, और मैं 10% बॉन्ड पेयर के रिपल्शन को इंक्रीज कर दूं, तो ओवरऑल क्या हुआ, रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया ना। सिंपल से चीज है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या मेरा कहने का, लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रांग होते हैं तो अगर मैं लोन पेयर रिपल्शन को कम कर दूं विद से फॉर एग्जांपल बॉन्ड पेयर, तो आपका ओवरऑल रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो यही चीज होती है आपकी वेस्पर थ्योरी। बस अब इसी के बेसिस पे क्या होता है, हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक मिनट, मैं पहले ये समझा देता हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है समझो। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, ये बताने में यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो रही है ना। और नाउ लेट्स कम बैक टू हियर, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक लोन पेयर आया। सो व्हाट विल दिस डू, दिस विल ट्राई, अगर ये पहले की तरह 109 डिग्री पे अरेंज होता तो यहाँ पे क्या होता, हाइड्रोजन थोड़ा सा यहाँ पे होता, कलर चेंज होता,
हाइड्रोजन थोड़ा यहाँ पे होता, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे होता तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होते, ज्यादा होते। तो इसने क्या किया, थोड़ा सा अपने आपको क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ गए, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया। कैन यू सी दैट, तो ओवरऑल रिपल्शन क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया। नाउ कमिंग हियर, यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो अगर ये पहले की तरह होता तो क्या होते, ये दो लोन पेयर भी आपके क्या होते, पास पास होते, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी क्या होता आपका, पास पास होता अगर ये ऐसे होता। तो इसने क्या किया, अपने आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये ऊपर वाले लोन पेयर भी पास दूर चले गए थोड़ा सा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन अगेन एज अ रिजल्ट क्या हो गया, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट देन अगेन हमें कोई चिंता नहीं करनी, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर की ओवरऑल रिपल्शन क्या हुआ, काम हो गया। तो इस वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, और बॉन्ड एंगल ही डिसाइड करता है कि आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, एंड हेंस द ज्योमेट्री चेंजेस। क्लियर है, ठीक है। नॉट ऑनली स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को भी लिखता हूँ, एक्चुअली हल्का सा स्लाइट डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्योमेट्री होता है जैसे कि कैसे बताया, पता होगा ना मैटर, मतलब क्या स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है बताओ। नहीं मतलब ज्योमेट्री मैं उल्टा तो नहीं बता रहा, मैं श्योर नहीं, बट देखो ज्योमेट्री होता है जैसे कि नहीं 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 वो नहीं, मैं जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। क्या अच्छा, ज्योमेट्री जैसे कि होता है कि पहले तो एक पेज फाड़ के दे दो मुझे, ठीक है, कोई भी रफ, और उसका ट्रायंगल बना के देना, ठीक है, मतलब ट्रायंगल में फाड़ना, जो पेज फाड़ना, मतलब ट्रायंगल चाहिए मेरे को एक पेज के फॉर्म में, फाड़ दिया पहले अपना, फाड़ो एक लोग फाड़ दिया, कोई भी ट्रायंगल बना दो उसका, मुझसे बनता नहीं है इसमें, जरूरत है वो दिखाने की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में हेल्प नहीं करता है वीडियो वगैरह देखा हुआ जैसा मेरा। अच्छा ये कर दो, ओके। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर, एक टेबल फाड़ो, तो अच्छा नहीं नहीं मत फाड़ो, मैं थोड़ा फुल का भी यूज होगा, दे दे दे, और एक पेंसिल दे देना या कुछ भी, पता नहीं है पत्ता पेन है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे रखा था लगाया। अच्छा नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको टेबल बनानी है, यहाँ पे लिखना है रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर में एक एक करके समझा दूंगा आपको, ठीक है, शेप या स्ट्रक्चर जो भी है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल, ठीक है, बना लेना। तो देखो पहला तो क्या होगा आपका, सिंपल सा 2.0, ठीक है, 2.0, वैसे 2.0 का कोई मतलब नहीं है बट फिर भी बना लो, मतलब दो, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन में समझ लो एक बार, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, सिग्मा और लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज को भी एज ए लोन पेयर लिख रहे हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में दो सिग्मा है और जीरो लोन पेयर है तो हम उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया, पहले एग्जांपल लिखेंगे हम, जैसे कि एग्जांपल हो गया BeCl2, ठीक है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताइए, SP होता है, जैसे ये मान लो बी हो गया, ये सीएल हो गया, ये सीएल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका SP होता है हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जो शेप होता है वो हम बोलते हैं लीनियर, दिख रहा है सबको, शेप क्या होता है लीनियर। अच्छा फॉर द टाइमिंग जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, इससे बॉन्ड एंगल कितना होगा, दिख रहा है ना, जब तक दिखेगा तब तक हम करेंगे, नहीं दिखेगा तो बाद में, अभी एक टॉपिक आएगा बॉन्ड पैरामीटर, उसके अंदर हम बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और रटने वाला बहुत होता है, बट क्वेश्चन सिंपल आते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है
180 एंगल का मतलब तो समझ में आता ना, कोई भी तीन पॉइंट के बीच का जो मतलब एंगल होगा, जैसे कोई भी तीन पॉइंट ले लो तो एक दो तीन, तो यहाँ पे जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका BCL2, क्या है आपका 180 डिग्री है। क्लियर है पॉइंट? नाउ ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो रहा है, ठीक है ये हो गया आपका पहला वाला। अब हम आते हैं दूसरे वाले केस पे, 3.0, ठीक है, मतलब कि 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है। इसका एग्जांपल पहले हम लिखते हैं, जैसे कि BF3 है, ठीक है, तो 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, ठीक है, तो BF3 हो गया जैसे इसका एग्जांपल, या BH3 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है, क्लियर है। इसका शेप कैसा होता है सोचो, एक बी है, नहीं पिरामिडल थोड़ी होगा, बी प्लेन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा शेप होगा जहां पे मतलब ओवरऑल इसका सब कुछ जो अगर वेक्टर तो आता है ना आपको, तो ये है, अगर मान लो एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो कौन से एंगल होंगे जिनमें सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 120, तो वो शेप क्या होता है आपका, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, बट जो तीर रखने की मेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, एंगल क्या होगा यहाँ पे 120, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, 120, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 3 का सम में और क्या हो सकता है, 3 का कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है, 2 सिग्मा या 1 लोन पेयर। 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर का कोई एग्जांपल बताएगा आप कोई भी, टोटल के 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर के लिए टोटल आपको कितना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, उंगली दिखा रहा हूँ मैं, 4 चाहिए ना, तो 4 में क्या होगा, 4 होने चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड बनने चाहिए, तो ऐसा क्या बन सकता है, CH2 बेटा बनता नहीं है, लेकिन मतलब कार्बन को चाहिए उसका ऑक्टेट, ऐसा कौन सा चाहिए जिसको कार्बन की फैमिली होगी, इतना तो क्लियर है, कार्बन छोड़ के कोई भी पकड़ लो, कार्बन फैमिली में कार्बन छोड़ के कोई भी पकड़ लो, क्योंकि कार्बन को ऑक्टेट चाहिए, बाकी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड ऑक्टेट नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, SnCl2, ठीक है, SnCl2, ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, पहले 2 सिग्मा 1 लोन पेयर है बेटा, कितना होगा, sp2 ही होगा ना। अब देखो BF3 में क्या था, देखो इधर BF3 में ये था, मतलब BF3 ऐसा दिखता था, रटने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, मतलब रटना तो पड़ेगा इवेंचुअली, बट आप कभी कभी फिगर आउट कर सकते हो, एक फ्लोरीन हटा के मैं यहाँ पे लोन पेयर रख देता हूँ, तो कैसा दिख रहा है, अभी तो बताया था बेन, तो ये क्या है आपका बेन, ठीक है। कर लिया, कर लो फिर मिटाने, वरना फिर मुझे अगले पेज में फिर से लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी कॉपी में ढंग से डिटेल में लिखते रहना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी तक आपने कितना सम कर लिया, 3 का सम कर लिया ना, अब 4 पे आते हैं, तो 4 में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उल्टा शुरू करते हैं, 4.0, ठीक है, 4.0, तो 4.0 पे शुरू करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है, फेमस सा CH4, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, इसका शेप क्या होता है,
टेट्राहेड्रल, ठीक है, बताया हुआ था अभी, ठीक है, एंगल बताया था 109 डिग्री 28 में, एंगल अभी पढ़ेंगे उससे। अच्छा 4.0 हो गया, इसके बाद अगला शेप क्या पढ़ा था हमने sp3 में, 3.1, तीन सिग्मा और एक लोन पेयर, तीन सिग्मा और एक लोन पेयर में हमारा एग्जांपल क्या था, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, तीन सिग्मा एक sp3, ठीक है, sp3, और शेप क्या था अमोनिया का, पिरामिडल, ठीक है, ये भी रखने की जरूरत नहीं। देखो जो आपका टेट्राहेड्रल होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल तो सबने बनाया होगा मैथ वाले को, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे सेंटर है, तो अगर ये ऊपर वाली डंडी हटा दोगे तो बेसिकली क्या बचेगा, पिरामिड तो बचेगा, अगर ये ऊपर वाली डंडी हटा दोगे एक तरीके से तो क्या बचेगा, बेसिकली नीचे का पिरामिडल बेस ही तो बचा, और आपका तो क्या है, पिरामिड हो गया, ठीक है। अच्छा एक और हटा दोगे तो क्या बचेगा, बेंट बचेगा, सिंपल तो सोचो ना, अगर मान लो ये हटा दिया, ये आपका क्या बचा है, पिरामिड बचा है, और अगर ये भी हटा दिया बीच का तो क्या बचा, बेंट ही तो बचा, सिंपल एक, ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, इसीलिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 4.0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 3.1 हो गया, फिर 2.2 का एग्जाम्पल क्या है, वाटर, sp3, और शेप क्या है, पेन, ठीक है, 1.3 कुछ नहीं होता, किसी का मन हो तो बनाने का, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, वो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, लिखेंगे आप ऐसे ही जैसे आप लिख रहे हैं, मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप क्लीन नहीं करना, अपने हिसाब से आप लिखना, ठीक है, कॉपी में ना, क्या नहीं, हर एक में नहीं हुआ, इसीलिए उनमें एंगल को मेंशन नहीं कर रहा, हर एक लीनियर में 180 होगा, बट बेंट पर डिपेंड करेगा कितना बेंट हो रहा है, ठीक है, शेप क्या है, साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे मैं एंगल को मेंशन नहीं कर रहा, टेट्राहेड्रल ठीक है 109 होता है वो ठीक है, बट हर एक बेंट और हर एक पिरामिड भी जरूरी नहीं कि सेम हो, सारे टेट्राहेड्रल तो बेटा टेट्राहेड्रल, इसीलिए वो एक, देखो यही फर्क होता है ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में, जो मैं बताना चाहता हूँ, कि अगर आप ज्योमेट्री की बात करोगे या स्ट्रक्चर की, मतलब वर्ड कंफ्यूजन हो रहा है बट ठीक है, तो ज्योमेट्री जब आप कहोगे तो ज्योमेट्री फिक्स होती है, जैसे आप कभी भी कहोगे कि से फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल हमेशा वो 109 डिग्री 28 मिनट के बाद आएगा, बट जो उससे डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स होंगे वो वेरी कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, इसीलिए ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन था। चलो देखो अब आते हैं 5.0 पे, ठीक है, 5.0 का एग्जांपल जैसे क्या है, वो TCl5 है, ढंग से लिखना अपने कॉपी में, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं TBP, ठीक है। अब देखो ये दिखता कैसा है, बना के कॉपी में दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये इसमें क्या ट्रायंगुलर डिस्क होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर बेस का मतलब हो गया बीच में कुछ एक सेंट्रल एटम, एक यहाँ पे लग गया, जैसे PCl5 है तो बीच में फास्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, और एक क्लोरीन अबव द प्लेन है, एक क्लोरीन बिलो द प्लेन है, तो एक पिरामिड इसको मिला दो, यहाँ से यहाँ पे, 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 यहाँ तक क्या हो गया, दोनों साइड पे पिरामिड हो गए, ट्रायंगुलर बेस पे दो पिरामिड हो गए आपके, तो ये क्या है आपका ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, क्लियर है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, जेई में 2-3 बार क्वेश्चन आता है, इसमें दो तरीके की बॉन्ड लेंथ होती है, सब कुछ अलग अलग चीजें होती है, इसको डिटेल में पढ़ना है अभी, बट फॉर द टाइमिंग इसमें क्या पिरामिड बोलते हैं इसको। अच्छा अब हम आते हैं 4.1 पे, ठीक है, 4.1 की अगर हम बात करते हैं, हाँ ठीक है,
ट्रायंगुलर बाय पिरामिड के बाद अगर हम करते हैं, देखो 4.1 की बात करते हैं, समझना ये मैं कह रहा हूँ। अब आपकी मर्जी होगी। देखो आप इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है वो रखने की दो तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर रख दूँ तो आपको लगेगा ये तो सिंपल अब पिरामिड बचा है ना, मतलब एक तरीके से पहले ट्रायंगुलर बाय पिरामिड था, अब एक लोन पेयर रख दिया तो पिरामिड बचेगा। लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में अभी हम नहीं जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोन पेयर यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। हम लोन पेयर कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे रख देते हैं, ये दिखने में ज्यादा आसान रहेगा। लोन पेयर यहाँ रख दे रहे हैं, तो अब ये देखो कैसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसा दिखेगा ये, होगा नहीं मेरे से, बनेगा नहीं। मेरा पॉइंट है ये पॉइंट है आपका, ये एक पॉइंट है जहां से एक हिंज कैसे गया, एक हिंज ऐसे गया, एक हिंज इस हिंज पॉइंट पे एक इधर गया एक इधर गया। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है प्लीज आंसर मत देना। यहाँ पे एक हिंज पॉइंट है, एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है, ऐसे करके गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ एक जगह पे क्या है आपके पास, लोन पेयर। तो अगर हम वीडियो दिखाऊंगे ये जो भी, इट विल लुक लाइक इट इज अ सीसॉ, ठीक है, इट विल लुक लाइक इट इज अ सीसॉ। अब अगर आप इमेजिन कर सको तो देख लो, यहाँ पे लोन पेयर रख दिया था मैंने, तो ये अगर मैं थोड़ा सा बेंट कर दूं तो ये सीसॉ जैसा हो जाता है, ठीक है। सीसॉ देखा करो तब बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीसॉ जैसा दिखता है, मैं कैसे दिखाऊं इसको, थोड़ा दिक्कत होगी दिखाने में, ठीक है। तो इसका जैसे जैसे 4.1 है तो इसका सीसॉ हो जाता है, समझ रहे। इसके बाद वाले इजी में सीसॉ ही दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सिंपल है। तो यहाँ पे जैसे ऐसे 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही है, स्ट्रक्चर क्या है सीसॉ है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन आते हैं सीएल, क्या होगा नेक्स्ट, 4.1 था, 3.2, ठीक है, 3.2 मतलब दो लोन पेयर कर दिया, ठीक है। अगर दो लोन पेयर कर दिया तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर रख गया, यहाँ पे लोन पेयर रख गया, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर। तो इसेंशियली ऐसा दिखेगा, देखो ये और यहाँ पे ऐसा, तो ये कैसा दिख रहा है, टी दिख रहा है सिंपल। देखो ये जो दो हिस्से थे यहाँ पे हमने लोन पेयर रखे, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, तो क्या दिखा, एक बड़ी सी डंडी गई है और यहाँ पे एक ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, यही तो है, एक बड़ी सी डंडी गई है और यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे तो लोन पेयर रख दिया आपने, तो ये क्या हो गया आपका, टी हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टी शेप, ये क्या है sp3, ठीक है, लिख लेना। अच्छा अगर मैं तीनों को लोन पेयर रख दूं, मतलब मैं इसको भी लोन पेयर कर दूं, तो अब बचा क्या, लीनियर, सिंपल एक लीनियर स्ट्रक्चर बचा ना। तो 2.3 में क्या होता है, क्या बेटा पता, अभी किया था ना ये 2.3 वाला, याद है, एक मिनट बेटा, थ्री कॉमा टू का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ले लो, लीनियर, ठीक है, ओके। अच्छा पहले लिख लो फिर मिटा दे, क्योंकि i3 माइनस बेटा, ठीक है, इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा इसी वाले से आते हैं, ठीक है, खासतौर से ट्राइगोनल बाय पिरामिड। अच्छा ट्राइगोनल बाय पिरामिड थोड़ा सा और बताता हूँ मैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, एक दो चीजें और बता देता हूँ फिर देख लेना। देखो जो ट्राइगोनल बाय पिरामिड होता है उसको जब कॉपी में बनाना होता है तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो फॉस्फोरस लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया और यहाँ पे दो बना दिया ऊपर क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं कॉपी पर, हमें बनाना होता है, ठीक है।
ये वाली जो पोजीशन है, जो ट्रायंगुलर वाली पोजीशन है जो प्लेन में होती है, जो अभी प्लेन दिखाया था ना, जो ये प्लेनर वाली पोजीशन है जो प्लेन में होता है, इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल, ठीक है। और जो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको हम बोलते हैं एक्सियल, ठीक है। जस्ट नाम होता है एक्सियल पोजिशन एंड इक्विटोरियल पोजिशन, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। एक्सियल पोजिशन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 120। ये बॉन्ड एंगल कितना है आपका? 120। और जो परपेंडिकुलर है उनका बॉन्ड एंगल फ्रॉम द इक्विटोरियल कितना है? जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है उनका इक्विटोरियल 90 होगा ना, ये बॉन्ड एंगल 90 है ना, तो ये एंगल कितना है? 90, ठीक है। दो है, दो तरीके के बॉन्ड एंगल यहाँ पे। बॉन्ड लेंथ भी दो तरीके की होती है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, इक्विटोरियल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? अलग होती है, ठीक है। आज किसी के स्कूल में एग्जाम में आया था, वैसे मैंने पढ़ा हुआ था 11th तो कर लिया होगा। ओके, पूछ देते हैं कभी कभी, इक्विटोरियल और एक्सेल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। नाउ बस इसमें इतने जानते हैं, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे कौन सा होता है क्या नहीं होता ना। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो 5 हुआ है ना केवल, अभी 6 पे आएंगे। अब आते हैं हम 6 पे, ठीक है। तो 6 को बनाए आगे, तो हम आते हैं 6,0 होगा तो उसका पहले तो जैसे एग्जांपल कोई एक देख लेते हैं, कैसा होगा? SF6 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3d2। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे 5,0 था तो वहां क्या था? ट्राइगोनल पाई पिरामिड। यहाँ पे क्या होगा? देखो, दिख रहा है सबको क्या है? या अगर नॉर्मल वर्ड में बोलो तो क्या है? स्क्वायर बाई पिरामिडल है, ठीक है। स्क्वायर बाई पिरामिडल है, ऊपर द प्लेन स्क्वायर बेस है और दो पिरामिड है। इसी स्क्वायर बाई पिरामिड को हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर बाई पिरामिड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं 5,1 पे, 5,1 पे। इसका भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे IF5 हो गया या CLF5 हो गया, कुछ भी बना लो। तो यहाँ पे क्या होगा? sp3d2 होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो अभी तक आपका क्या था? 6,0 पे स्क्वायर बाई पिरामिड था। हमने क्या किया? एक हटा दिया, हमने यहाँ पे लोन पे रख दिया, तो अब ये क्या हो गया? इसको स्क्वायर पिरामिड ही बोलते हैं, ठीक है। अब 4,2 कर देते हैं, 4,2 का जैसे एग्जांपल क्या हो गया? 4 sigma 2 लोन पेयर ना। हाँ बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया? दोनों लोन पेयर कर, तो अब क्या बचाइए? स्क्वायर प्लेनर, कुछ बचा नहीं ना, स्क्वायर प्लेनर ही तो बचा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अगर हम बढ़े, देखो इसी के बेसिस पे अगर हम बढ़े, बस 6 में इतना ही होता है, ठीक है। 7 वाले का भी कर लेते हैं, ऑल्दो का भी पूछा नहीं गया बट कर लेते हैं, टाइम हो गया क्या? नहीं, 5 मिनट है अभी, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। 7 वाले की अगर बात करते हैं तो 7,0, जैसे 4 वाले में क्या था? सॉरी, 5,0 में ट्रायंगुलर बाई पिरामिड था, यहाँ पे क्या था? स्क्वायर बाई पिरामिड था। तो 7,0 क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिड। और लोग कोई पूछेगा नहीं बट फिर भी, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन तो लिख ही लोगे, एग्जांपल जैसे IF7 हो गया, sp3d3 हो गया, ठीक है। अब 6,1 क्या होगा? उसका एक स्पेशल नेम होता है 6,1 का,
उसको बोलते हैं कैप ऑक्टेहेड्रल। ठीक है, ये मत ध्यान रखना। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, कैप ऑक्टेहेड्रल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं आप XeF6। ठीक है, सेवन वाले को याद रखने की जरूरत नहीं होता, बस एग्जाम से पहले देख लेना। ठीक है, जैसे 4,2 में क्या हुआ था, स्क्वायर प्लेनर, तो यहाँ पे जब आपका 5,2 होगा तो क्या हो जाएगा, वो पेंटागोनल प्लेनर बना देना। ठीक है, 5,2 क्या हो जाएगा आपका, पेंटागोनल प्लेनर। बना लो किसका, लिखा तो था IF7 XeF6 हो गया। लास्ट वाले एक एग्जांपल जैसे लिखना हो, इसका एग्जांपल हो जाएगा XeF5-। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पढ़ा दिया था ना मैंने। ओके, हेडिंग डालना हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, पे अटेंशन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि अगर आपके पास अमोनिया है, ठीक है, और यहाँ पे BF3 है, ठीक है, तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, SP2 होता है। ठीक है, और अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, SP3 होता है। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, SP3 होता है। तो होता क्या है कि अमोनिया जब अपना BF3 को डोनेट करेगा, देखो ये इसको डोनेट कर देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो समझना, BF3 जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, या मत भी करो तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको हम काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। मेरा कहने का मतलब ये, क्यों, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या लिख सकते हैं आप, एज अ पॉजिटिव नेगेटिव करके कोवेलेंट बॉन्ड लिख सकते हो। तो अब देखो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एज अ रिजल्ट वही रहा, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज हुआ नहीं है ना। बट अगर अगर शेप देखोगे तुम, यहाँ पे इसका शेप क्या था, पिरामिडल था, क्योंकि ये कौन सा था, 3,1 वाला था, 0 नहीं। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर था शेप, देखो राइट अंडरस्टैंड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत, जो मैं बताऊँ इसमें कुछ नया। जबकि यहाँ पे देखोगे तो अमोनिया का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, लेकिन वो sp3 किसकी वजह से, 4,0 वाला है, क्योंकि अब तो लोन पेयर चला गया इसका, अब ये बॉन्ड वाला बन गया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसकी वजह से क्या होता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है और स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। अब इस अमोनिया के नाइट्रोजन के अराउंड स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और बोरॉन का भी स्ट्रक्चर क्या हो गया है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के वजह से हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है और स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है। क्लियर है, तो लिख लेना है चीज।
ठीक है। We'll stop here, okay? फोर कॉमा जीरो इसके नीचे एसपी टू ट्राइगोनल प्लेयर ओके चलिए एवरीवन।